हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो आज है संडे, अभी मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट का बर्तन को मैं अभी क्लीन कर रही हूँ। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था खिचड़ी। खिचड़ी इसलिए बनाया था, बच्चों का भी खाना हो जाएगा, साथ में हम भी थोड़ा सा हेवी ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि आज लंच बनाने में थोड़ा सा लेट होगा। आज मैं करने जा रही हूँ फिर मेरे किचन का डीप क्लीनिंग। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जो नल का पानी मैं यूज कर रही हूँ, ये म्यूनसिपलिटी का पानी है। तो जब तक ये पानी रहता है तो हम इसी पानी को यूज करते हैं। जब ये पानी चला जाता है तब हम जो टैंकी का पानी यूज करते हैं। तो ये जो पानी है, खाने वाला जो पानी होता है ना, एक्वागार्ड का पानी सप्लाई देता है, तो बहुत टाइम तक पानी रहता है, तो इसलिए हमें पानी का कोई दिक्कत नहीं होता है कभी भी। तो चलिए अभी मैं करने जा रही हूँ किचन का डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं सारे किचन का जो सामान है खाली कर लूंगी। और बहुत सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, मतलब जो अच्छी तरह से मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, क्योंकि ये जो अपर कैबिनेट आप देख रहे हो, इसमें क्रॉकरी रखने के लिए हमने बनवाया है, तो ये तो कंप्लीट नहीं हुआ है। कलर होगा, इसमें कवर्ड लगाया जाएगा, मतलब ग्लास का कवर्ड होगा, तो इसीलिए ये सारा सामान मैं ऐसे ही रख देती हूँ, खाली है इसीलिए। और जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तब मैं अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर पाऊंगी। तो सारा सामान मैंने खाली कर लिया है, उसके बाद मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले दो ऊपर का साइड का जो मकड़ी का जाली होता है, तो मकड़ी का जाली तो होता ही है कि घर पे, खास करके मेरे किचन में ज्यादा होता है, क्योंकि मेरे किचन में अभी तक चिमनी नहीं लगवाया है। देखिए, पॉइंट किया हुआ है लेकिन अभी तक नहीं लगवाया है कि चिमनी, तो लगवा लेंगे, अगले साल चिमनी लगवा लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो घड़ी है, घड़ी को मैंने नहीं उतारा है, क्योंकि घड़ी दो दिन पहले ही साफ करके घड़ी को फिर से लगवाया था, तो मैंने सोचा चलो घड़ी को रहने देते हैं। और इस साइड में उतना ज्यादा मतलब मैला नहीं है। तो सामने नवरात्रि आ रही है, साथ में पूजा है, दुर्गा पूजा है, नवरात्रि है, तो इसीलिए घर को तो क्लीन करना पड़ेगा ना। तो हर साल ऐसे ही मैं घर को क्लीन करती हूँ पूजा से पहले। तो दो रूम का क्लीनिंग माने कर दिया है, एकदम सुबह सुबह उठ के दो दिन दो रूम का क्लीनिंग कर दिया है, और दो रूम का अभी भी बाकी है। तो आज मैं किचन का बरामदा का करूंगी, और उसके बाद मैं अगले दो दिन बाद मैं दो रूम का जो बाकी है उसका मैं कर लूंगी। और हस्बैंड ने बोला है कि हस्बैंड कर देंगे, तो देखते हैं, अगर हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है तो मैं ही कर लूंगी, तो वो भी मैं शेयर कर लूंगी आप सबके साथ। सारा जो ऊपर का जाली मैंने क्लीन कर लिया है, उसके बाद जो कैबिनेट है उसको भी मैंने अच्छी तरह से पोंछ लिया है, तो अभी नीचे का साइड का क्लीनिंग करूंगी। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारा मैला है, काउंटर टॉप में बहुत सारा मैला है, तो सारा जो मैला अभी ऊपर से गिरा है, तो सारा मैला को मैं नीचे फेंक दूंगी। फेंकने के बाद मैं झाड़ू कर दूंगी, तो झाड़ू करने के बाद मैं बाकी का क्लीनिंग करूंगी। तो देखा आपने कितना ज्यादा मैला मैंने निकाला है किचन से, तो पता नहीं इतना ज्यादा मैला कहाँ से आ जाते हैं। तो ऊपर का क्लीन करने के बाद ही नीचे एकदम मतलब मैला का ढेर हो गया था। तो अभी मैं सारे कैबिनेट का अंदर क्लीन करूंगी, तो ज्यादा मैला नहीं है कैबिनेट के अंदर, लेकिन मैं साफ कर लूंगी, थोड़ा सा तो मैला है ना, तो वीक में एक बार मैं ऐसे थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, तो इसीलिए ज्यादा मैला नहीं है। तो सारा जो धूल मिट्टी को साफ करने के बाद मैं गीले कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लूंगी, थोड़ा सा लाइज़ोल डाल के।
किचन का क्लीनिंग हो गया है, अभी जो पानी वाला क्लीनिंग का काम है जो पानी से थोड़ा सा साफ करना होगा वो मैं बाद में करूंगी। पहले बरामदा का मैं मकड़ी का जाली में क्लीन करूंगी, झाड़ू कर लूंगी, उसके बाद मैं जो पानी वाला क्लीनिंग स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे भी बहुत सारा जाली हो गया है क्योंकि ये किचन के सामने का जगह है, तो इसीलिए किचन के सामने का बरामदा है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जाली ऐसे तेल चिपचिपापन थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक हाई स्पीड फैन है, फैन की वजह से यहाँ पे चले आते हैं जो किचन का जो भी हवा होता है। तो किचन में खाना बनाते हुए यहाँ पे अगर फैन चलता है, अगर मैं दाल में तड़का डालती हूँ या फिर कोई फ्राई चीज बनाती हूँ, तेज अगर गैस थोड़ा सा तेज हो जाए तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, तब क्या होता है सारा जो किचन का धुआं है यहाँ पे चले आते हैं, तो इसलिए इस साइड में भी थोड़ा सा ऐसे हो जाता है मैला। बट ये जगह को हम बार बार क्लीन करते हैं, इस जगह को मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, बार बार क्लीन करती हूँ, महीने में एक बार ऐसे थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ ताकि ज्यादा मैला ना हो, क्योंकि हम ज्यादातर यहाँ पे ही बैठ के खाना खाते हैं, लंच यहाँ पे ही बैठ के करते हैं और कभी कभी डिनर भी हम यहाँ पे ही बैठ के करते हैं। तो यहाँ का भी क्लीनिंग हो गया है, लास्ट में मैं फैन को क्लीन कर रही हूँ, तो फैन क्लीन हो जाए उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में, थोड़ा सा काम अभी भी बाकी है, पानी वाला जो क्लीनिंग का काम है वो बाकी है, वो हो जाए उसके बाद मैं मॉपिंग कर लूंगी। तो ये जो फैन है ये कॉलिन से साफ करना चाहिए था, तो मैंने तो ऐसे अभी थोड़ा सा गीले कपड़े से, आधा गीले कपड़े से मैंने पोंछ लिया है, तो बाद में मैं हस्बैंड को बोल दूंगी कॉलिन से साफ कर देंगे। तो चलिए अभी मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, किचन का जो मेन क्लीनिंग है, ये जो ऑयल यहाँ पे एकदम चिपक गया था, काला हो चुका था सारा जो वायरिंग है, जो इलेक्ट्रिक वायरिंग के ऊपर, तो पता नहीं क्या हुआ है ये जो इलेक्ट्रिक वायरिंग आप देख रहे हो व्हाइट कलर का, इसके ऊपर से एकदम काला एकदम लाइन जैसा हो गया है, तो ऑयल एकदम चिपक के एकदम लाइन जैसा हो गया था, तो मैंने जितना हो सके मैंने साफ कर लिया है। और ये जो दीवार आप देख रहे हो ना, दीवार पे भी बहुत सारा एकदम काला काला हो चुका था, तो सारा दीवार को भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, थोड़ा सा विनेगर लिया है, थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट से विनेगर से, उसमें मैंने थोड़ा सा विम लिक्विड भी मिला दिया था। तो मुझे एक्चुअल में नहीं पता था मैं किससे इस सारे चीजों को क्लीन करूंगी, तो मुझे जैसा ठीक लगा कि मैं थोड़ा सा विनेगर के साथ लिक्विड भी मिला के स्कॉच ब्राइट के साथ क्लीन कर लेती हूँ, देखते हैं क्या होता है। बट अच्छी तरह से क्लीन हो चुका था। तो देखिए ऑरेंज कलर का जो दीवार आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ज्यादा ऑयल एकदम चिपक के काला काला हो चुका था, ऑयल के ऊपर धूल मिट्टी लग के जैसा हो जाता है, मतलब चिमनी ना होने के वजह से ऐसा हुआ है, तो बार बार ऐसा होगा, अगर चिमनी जब तक ना लगवा जाए तो ऐसा ही होता रहेगा। तो क्लीन तो करना पड़ेगा, मेहनत लगता है लेकिन बाद में क्लीन होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो अभी लास्ट में मैं थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट में लिक्विड भीम लेके ऐसे थोड़ा सा सारा जो दीवार है जो टाइल्स के ऊपर ऐसे घिस लूंगी, तो उसके बाद में पानी से अच्छी तरह से पोंछ लूंगी, तो क्लीन हो जाता है। मैं ऐसे बहुत बार साफ करती हूँ, मतलब वीक में एक दो बार तो मैं ऐसे साफ कर लेती हूँ, तो अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। और जो स्टेन होता है ना, मैं बोल देती हूँ उसमें, उसके ऊपर कोई भीम लिक्विड या फिर स्कॉच ब्राइट से घिसने की जरूरत नहीं है, जो हमारे जो सिंक के आसपास जो ऐसे और स्टेन जम जाता है उसके ऊपर आप क्या करोगे, एक स्टील उल लेके, जैसे हम कढ़ाई साफ करते हैं जो स्टील उल होता है ना, तो स्टील उल से थोड़ा सा ऐसे घिस लेने से वो जो स्टेन है वो उठ जाता है। तो मुझे ये पता नहीं था, तो मैंने भी एक वीडियो में देखा था यूट्यूब में, तो मैंने उसको देखने के बाद ट्राई किया तो अच्छी तरह से क्लीन हो गया था। तो सिंक में बर्तन धोते हुए थोड़ा सा पानी का जो स्टेन हो जाता है ना सिंक के ऊपर, टाइल्स के ऊपर, थोड़ा सा ग्रेनाइट के ऊपर, उसी का बात मैं कर रही हूँ। तो चलिए इस काउंटर टॉप को भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं इंडक्शन में कभी कभी खाना बनाती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे येलो कलर का हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक बार अच्छी तरह से सफेद बना लिया था, मतलब लिक्विड भीम से, लाइजोल से अच्छी तरह से मिला के घिस घिस के मैंने इस जगह को सफेद बना लिया था। बट फिर से यहाँ पे मैंने खाना बनाया था, दो तीन दिन एक हफ्ते तक मैंने खाना बनाया था इंडक्शन पे, तो उसके बाद फिर से ऐसा हो गया है। तो इसको भी मैं साफ करूंगी, तो बाद में मुझे थोड़ा सा अलग से टाइम निकाल के इस जगह को सफेद बनाना होगा, फिलहाल तो अभी मैंने थोड़ा सा साफ किया है। तो चलिए अभी मैं सारा जो कैबिनेट का अंदर मैं ऐसे थोड़ा सा साफ कर लूंगी गीले कपड़े से, गीले कपड़े के साथ थोड़ा सा लाइजोल मिला के मैं ऐसे साफ कर लूंगी। पहले मैं क्या करती हूँ,
थोड़ा सा प्लेन वाटर से ऐसे क्लीन कर लेती हूँ। बाद में मैं थोड़ा सा उसी मतलब कपड़े के ऊपर थोड़ा सा लाइजॉल डाल के कपड़े को अच्छी तरह से धो के थोड़ा सा लाइजॉल डाल के लास्ट में मैं ऐसे पोंछ लूंगी तो मेरा क्लीनिंग एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही डीप क्लीनिंग का काम करती हूँ। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, मेरा क्लीनिंग कंप्लीट है, अभी मॉपिंग बाकी है। तो देखिए अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है, बट ये जगह से मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो इसको बाद में मैं अच्छी तरह से एकदम सफ़ेद बनाऊंगी। तो कैसे सफ़ेद बनाती हूँ वो भी मैं बाद में शेयर करूंगी जब मैं करूंगी। तो चलिए अभी मैं मॉपिंग का काम कंप्लीट करूंगी, उससे पहले मैं फ्रिज को थोड़ा सा क्लीन करना होगा। ऊपर से फ्रिज के ऊपर भी ऐसे थोड़ा सा धूल हो गया है, तो उसको भी अच्छी तरह से मैं साफ कर लूँ, तो उसके बाद मैं मॉपिंग का काम स्टार्ट करूंगी। तो देखिए कितना अच्छी तरह से एकदम क्लीन हो चुका है, पूरा जो एकदम काला पड़ चुका था, ये जो ऑरेंज कलर का दीवार आप देख रहे हो ना, एकदम काला पड़ चुका था, तेल चिपचिपापन हो गया था, तो मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। चलिए मैं अभी तो फ्रिज का क्लीनिंग करूंगी, ऊपर से, अंदर से नहीं, अंदर से मैं बाद में करूंगी। तो फ्रिज के ऊपर से अच्छी तरह से मैं ऐसे पोंछ लूंगी, उसके बाद लास्ट में मैं मॉपिंग कर लूंगी, तो मेरा क्लीनिंग का काम एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत लेट हो चुका था, मेरा जो आज का दिन था एकदम क्लीनिंग में ही चला गया था, तो एकदम भी थोड़ा सा टाइम नहीं मिला कि मैं सामने आके आप सबके साथ थोड़ा सा बात कर लूं। तो इसी के साथ मुझे ऐसे ही वीडियो बनाना पड़ा क्लीनिंग के साथ, सिर्फ क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग। तो चलिए ये जो क्लीनिंग हो जाए उसके बाद मैं मॉपिंग करूंगी। तो 12:30 बज चुका था, 12:30 बजने के बाद मैंने सब काम कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने नहा के फटाफट आके लंच बनाया। कुछ भी मैंने शेयर नहीं किया है लंच का, तो ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया था, सिर्फ अरबी का सब्जी और दाल बनाया था और राइस। तो तीनों बर्नर में मैंने तीनों बर्नर का मैंने यूज़ करके मैंने खाना फटाफट बनाया था। एक साइड में मैंने राइस चलाया था, दूसरे साइड में दाल और एक साइड में मैंने जो अरबी का सब्जी मैंने चला दिया था। तो ऐसे ही मैंने खाना बना लिया था फटाफट। तो फ्रेंड्स नहाने के बाद मैंने फटाफट लंच बना लिया है। क्या बनाया है देखिए, ये है राइस और यहाँ पे है दाल, मूंग दाल बनाया है, 5 फोरन डाला है आज मैंने मूंग दाल में, 5 फोरन, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा ग्रीन चिली और सूखा लाल मिर्च, और यहाँ पे अरबी आलू का सब्जी, थोड़ा सा कड़ी टाइप का बनाया है, गाढ़ा टाइप का कड़ी बनाया है दाल के साथ खाने के लिए, ऐसे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी हम लंच करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।